सपोज आपकी बैटरी कम हो फोन की और आपको बात करनी हो तो आप कैसे बात करते हैं बैटरी कम है दिख रही है पिपे पिपे बजरा और फोन आ गया वहां से है तो आप क्या बोलते हैं सामने वाले को जल्दी बोल मेरी बैटरी कम है अगर फोन के लिए ये बोल सकते हैं जल्दी बोल मेरी बैटरी कम है तो अपने लिए भी बोल सकते हैं जल्दी बोल मेरी बैटरी कम है कर सकते हैं या नहीं कर सकते मिनिमल कथा नहीं बनानी अपने बातों की ये हुआ फिर ये हुआ फिर उसका काम की बात ना दो लाइन की होती है सिर्फ शब्द शब्दों पर संयम एग्जैजरेशन ये खालीपन की निशानी है ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है कि हम ज्यादा बोलते हैं तो सारी दुनिया का अटेंशन हमारी तरफ जाता है कम तो कम परमात्मा कहते कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो तो ऑटोमेटिकली हर दुआ क्या बन जाएगी हर लाइन क्या बन जाएगी दुआ पहले जब ये वाले फोन नहीं थे तो हमारे रिट्रीट सेंटर में ना फोन बूथ पे जाना पड़ता था बात करने के लिए तो जहां डायल करते हैं वहाँ एक पोस्टर लगाया हुआ था कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो तो एक भाई गया पढ़ रहा था फोन हाथ में था मैं कहा क्या हुआ कहते हैं कम भी बोलना है धीरे भी बोलना है को तो तक उसका चेहरा याद आ जाता है कहते मीठा भी बोलना है मैं कहा तो कहते क्या है फिर बोलना क्या है रहने देते वैसे कुछ है नहीं काम कर। उसने फोन ही नहीं किया नॉट नीडेड नॉट नीडेड कंजर्व एनर्जी हमने आज सोचा कि जितना हम लोगों से बातें करते हैं हमें खुशी मिलती है क्योंकि हम अपनी खुशी को ना ये बाहर की चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मन उदास होता है किसी को फोन कर देते हैं कहते हैं इनसे बात करूंगा ना तो मेरा मन ठीक हो जाएगा क्यों मेरा मन किसी और से बात करके क्यों ठीक होगा क्या मेरा मन दो मिनट खुद से बात करके या उससे बात करके ठीक नहीं हो सकता हो सकता या नहीं हो सकता लेकिन बार बार हमारी डिपेंडेंसी किस तरफ जा रही है सो फर्स्ट होमवर्क हम पहले फोन कॉल्स पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं जैसे ही आप फोन किसी का डायल करेंगे पहले से डिसाइड करना कितनी देर बात करनी है आपको पता है किस काम के लिए आपने फोन किया है जहां तक हो सके मैसेजेस एनर्जी सेव और जब बात करनी है तो एक मिनट पहले साइलेंस में बैठकर उनको अच्छी एनर्जी भेजकर फिर उस फोन कॉल को स्टार्ट कीजिए और फिर हर लाइन का जवाब पॉजिटिव वाइब्रेशन से कॉन्शियसली देना शुरू करिए मतलब अपनी ड्रेस को वाइट रखिए ध्यान थोड़े दिन ध्यान रखना पड़ता है सिर्फ उसके बाद वो हमारी बन जाएगी उसके बाद वो बन जाएगी हमारी आदत कोई भी आदत चेंज की जा सकती है ना आजकल हम सिर्फ अपने बारे में नहीं बात कर रहे होते हम किसी के भी बारे में बात करते हैं फिर हम जो देश में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं कोई एक इंसिडेंट हो गया जिससे बात करते हैं सुना तुमने क्या हुआ पता है देखा क्या हुआ द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन विदाउट रियलाइजिंग दिस इज वेस्टिंग पावर उस चीज पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं मेरा उसमें कोई रोल नहीं हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं वो बात जो देश में हुई है या दुनिया में हुई है उसके लिए भी दो मिनट में साइलेंस में बैठकर परमात्मा से कनेक्ट करके उधर भी दुआ भेजिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए उसके लिए मेडिटेशन कीजिए हम बातें करते हैं उसके बारे में तो एक कम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे बोलेंगे जब ज्यादा सोचते हैं तो इतना फास्ट बोलते हैं कि पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे टू मेनी थॉट्स कमिंग आउट ऐसे और जब मीठा बोल रहे हैं मतलब दुआ दे रहे हैं मीठा मतलब स्वीटनेस नहीं मीठा मतलब हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स कोई कुछ भी बोले कि बहुत सब कुछ गड़बड़ हो रहा है बोलो डोंट वरी सब परफेक्ट होगा आप उसको वरदान दो आपका सब परफेक्ट होगा जितना आप वरदान देते जाएंगे सामने वाला भी एक थॉट क्रिएट करेगा अच्छा सब परफेक्ट होगा कोर्स सब परफेक्ट होगा एंड वो आपको थोड़ी देर के बाद फोन करे करेगा कहेगा पता है आपने बोला सब परफेक्ट होगा हो गया और आप भी बन गए सिद्धि पुरुष आपने बोला और सिद्ध हो गया वो कोई भी बन सकता है ये ये कोई भी बन सकता है एनीबडी एनीबडी कैन बिकम दैट सिर्फ वो बोल रहे हैं दुआ दे रहे हैं कन्विक्शन से दे रहे हैं इमेटली दे रहे हैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं फेथ के साथ बोल रहे हैं उस आत्मा को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आई एम सर्टन के परमात्मा आपके साथ है सब परफेक्ट ही होना है तो ये एक भाषा है तो स्पिरिचुअलिटी ना एक लैंग्वेज है हम हिंदी इंग्लिश गुजराती ये सब लैंग्वेजेस सीखते हैं स्पिरिचुअलिटी भी एक लैंग्वेज है एक ऐसी भाषा जिसमें हमारे शब्द इधर शिफ्ट होने लगते हैं और जब वो शिफ्ट होते हैं ऊपर की तरफ वाइब्रेशन वाइज तो उसके अंदर के दाग उसके अंदर की मैल उसके अंदर की मिलावट वो क्या होती जाती है परमात्मा कहते हैं वो आत्माएं शक्तिशाली रहेंगी जो सच्चाई और सफाई के साथ चलती है अंदर बाहर साफ अंदर बाहर साफ अब अपने शब्दों को चेक करना कोई मिलावट कोई हेयर फेर इधर से इधर थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा ऐसे मोल्ड थोड़ा सा ताना थोड़ा सा इनडायरेक्ट सुनाना थोड़ा सा बोलकर सामने वाले को नीचे गिराना ये सारे शब्द दुआ का ऑपोजिट होते हैं ये दुआ का ऑपोजिट होते हैं दुआ दूसरे को भी ऊपर उठा लेगी और इस तरह की भाषा दूसरे को भी नीचे लेकर आएगी क्योंकि हम खुद नीचे आए हैं दुआ असंभव को क्या कहा जाता है दुआ के लिए दुआ असंभव को क्या करती है संभव करती है आपको लगता है ऐसे ये सिर्फ बोलने की लाइन है या सच में होती है सच में होती है क्यों दुआ असंभव को संभव कैसे कर सकती है क्योंकि दुआ एक बहुत पावरफुल हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है और किसी भी सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जैसे किसी के पास बहुत पैसा हो तो लोग कहते हैं इसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ये तो कुछ भी कर सकता है क्यों कर सकता है क्योंकि सामने वाले के पास पावर ऑफ मनी है किसी के पास पोजीशन होती है कहते हैं इसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है तो कुछ भी करवा सकता है क्योंकि उसके पास पावर ऑफ पोजीशन है तो पावर ऑफ मनी कुछ कर सकती है पावर ऑफ पोजीशन सब कुछ कर सकता है पावर ऑफ द माइंड माइंड कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता तीनों में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी पोजिशन या माइंड अच्छा जी पता हमें सब कुछ है फिर भी हम पहली दो के लिए भागते रहते हैं सारा है कहते हैं सबसे बना के रखो पता नहीं कब कौन काम आ जाए इतनी नेटवर्किंग और कॉन्टेक्ट बनाते रहते हैं सारा दिन आपको पता है कर्म साथ ना दे रहे हो ना जिस समय परिस्थिति आएगी घर के लोग भी साथ नहीं होंगे उस टाइम कहीं कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे दूसरा तो कौन याद आएगा उस टाइम कनेक्शन लोगों से बनाकर लोग काम टाइम पर नहीं आते हैं नहीं आते हैं, मतलब वो होते नहीं है कहीं कोई बाहर गया होता है कोई कुछ होता है लेकिन अगर जीवन में दुआएं इकट्ठी करके रखी होंगी ना जब प्रॉब्लम आएगी तो अनजान व्यक्ति हेल्प करके काम करके चला जाएगा होता है कि नहीं पहले अपने जीवन को चेक करो होता है या नहीं होता सब जिनके साथ कनेक्शन बनाए थे उसको फोन करेंगे उसको फोन करेंगे, नहीं आई एम नॉट आई आई एम नॉट अवेलेबल एम अवेलेबलिंग हम कहेंगे अब क्या तो पावर ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं कर सकता है पैसा तो बहुत कुछ नहीं कर सकता वो पिछले तीन साल में देख लिया लेकिन दुआएं कोई अनजान व्यक्ति आएगा ना हमें जानता होगा ना पहचान होगी निमित्त बन जाएगा और हमारा काम करके चला जाएगा हम कहेंगे हमारे जीवन में यह फरिश्ता बनकर आया लेकिन फरिश्ता आया कैसे ये फरिश्ता आया कैसे ये फरिश्ता मैंने अपनी दुआओं से कमाया था कमाया था ऐसे नहीं आ सकता फरिश्ता इसलिए लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है है ना सडनली इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है तो लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है दुआ फ्री में नहीं मिलती फ्री में नहीं मिलती दुआ अपने कर्मों से अपने कर्मों से कमाई जाती है और कुछ अगर ऑपोजिट हो जाता है कहते तो पता नहीं किसी की नजर लगी है आपको लगता है किसी की नजर लगती है लगती है नहीं लगती सच सच बोल रहे हैं। ऐसे नहीं नजर लगती है या नहीं लगते नजर लगती है या नहीं लगते कल गए किसी फंक्शन पे बच्चे को भी लेकर गए थे चार लोगों ने बोला बड़ा प्यारा बच्चा है बड़ा प्यारा बच्चा है बड़ा प्यारा बच्चा है अगले दिन वो बच्चे ने थोड़ी सी छीक मार दी ओ कल नजर लग गई किसी के हमारी लो वाइब्रेशन एनर्जी थॉट है ये ये हमारी बहुत ही लो वाइब्रेशन थॉट है फटाफट उसके चारों तरफ मिर्ची घुमाएंगे उसको काला तिलक लगाएंगे ये करेंगे किसी की नजर लग गई अगर चार लोगों ने कुछ नेगेटिव सोच भी लिया होगा वैसे जो बोलता है प्यारा बच्चा है वो नेगेटिव नहीं सोच रहा है पहली बात लेकिन अगर उस फंक्शन में 200 लोगों में से चार लोगों ने कुछ नेगेटिव सोच भी नेगेटिव मतलब ईर्षा कोई जेलिसी कोई कुछ लेकिन सौ लोगों ने अच्छा भी सोचा होगा सोचा होगा या नहीं सोचा होगा तो अगर मेरे पास हंड्रेड अच्छी थॉट्स आ रही हैं और फोर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो नेट एनर्जी मेरे पास कौन सी आ रही है नाइनटी सिक्स तो पॉजिटिव ही आ रही है तो फिर पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन उस हंड्रेड की तरफ मेरी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है ही नहीं मेरी फ्रीक्वेंसी किसकी तरफ ट्यून्ड है इनको मुझसे प्रॉब्लम है इसको मुझसे प्रॉब्लम है लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है मुझे नजर लग जाती है मेरी तबीयत खराब हो जाती है मेरा ये हो जाता है जैसा सोचेंगे जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा एक कवच रोज पहन के रखना है क्योंकि ये हमारे आसपास बहुत सारी वाइब्रेशंस है वाइब्रेशन ये नहीं कि लोग हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं वाइब्रेशन ये कि लोग खुद नेगेटिव एनर्जी में जी रहे हैं सो वाइब्रेशन वाइज वे क्वाइट इन अ पोल्यूटेड एनवायरमेंट राइट नाउ तो रोज सुबह जैसे अपनी ड्रेस पहनते हैं तो एक संकल्प जरूर करना है परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है ड्रॉ करें इसको भी परमात्मा की नहीं हाथ से नहीं करना है वो तो मैं आपको करके दिखा रही हूं आपको मन से करना है हाथ नहीं घुमाना पड़ता उसके लिए क्रिएट अ अकून ऑफ एनर्जी अराउंड जैसे कि एक, एक ककून होता है ना उसमें सेफ होते हैं हम लोगों की थॉट सिर्फ एक थॉट है और थॉट को बचाने के लिए सिर्फ एक थॉट चाहिए लोहा लोहे को काटता है सोच सोच को काटती है हम कहते ओ इतना सा बना के हम बच जाएंगे ऑफ़ कोर्स क्योंकि जो आ रहा है वो भी वाइब्रेशन है और ये भी वाइब्रेशन है ये हायर वाइब्रेशन है वो लोअर वाइब्रेशन है हायर वाइब्रेशन क्रिएट करके रख दो लोअर वाइब्रेशन तो उसके अंदर जा ही नहीं सकती है जा ही नहीं सकती है आप सबके बीच में घूम के आ जाओ किसी का दाग आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपने चारों तरफ अपने क्या पहन लिया जैसे वो, कोवी, वो ये कोविड के टाइम वो नहीं पहनते थे पीपी -पी किट पहनो और आईसीयू में भी जाके आ जाओ लेकिन वो प्रोटेक्शन शील्ड है वो वायरस नहीं आ सकता तो क्या लाइन करेंगे परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है बोलिए एक बार परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है और इसको विजुअलाइज करना है वाइट डिवाइन लाइट एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ इसको बनाना है नाउ गो आउट कभी भी नहीं घर से बाहर जाना इसको पहने बिना कभी भी नहीं जाना घर से बाहर इसको पहने बिना मतलब अगर मुझे इस वाइट ड्रेस को प्रोटेक्टेड रखना है तो मैंने इसके चारों तरफ सर्कल बना लेना है ताकि अगर कोई नजदीक आएगा भी जिसका थोड़ा सा हाथ मैला है लेकिन वो इस इसपे टच नहीं कर सकेगा सिर्फ एक सर्कल बनाने से इतनी पावर है इसके अंदर तो रोज घर से बाहर निकलने से पहले इस सुरक्षा कवच को जरूर पहनना है क्योंकि जब परमात्मा की दुआओं को हम अपने जीवन में भरते हैं तो दूसरों की लोअर एनर्जी वाइब्रेशन उसके सामने क्या करने वाली है लेकिन उनकी लोअर एनर्जी वाइब्रेशन को अपने लाइफ में लाते हम हैं क्योंकि हम उनकी वाइब्रेशन पर चले जाते हैं पता नहीं इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है पता नहीं इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है हमें उनकी वाइब्रेशन पर जाना पड़ता है तब वो हमारी लाइफ में वो एनर्जी हिट होती है तो नजर किसी और की नहीं लगती है हमें आपको पता है हमें किसकी नजर लगती है हमें किसकी नजर, नजर मतलब लोअर एनर्जी और क्या है तो दुआ भी हमने ही कमाई होती है और नजर भी नजर भी हमने ही कमाई होती है और जिसके ऊपर परमात्मा की नजर हो उसको दुनिया की नजर कैसे लग सकती है पॉसिबल है पॉसिबल लोएस्ट वाइब्रेशन के पास तो कोई शक्ति ही नहीं होती हमें इन्फ्लुएंस करने की हम ही डिस्टर्ब होकर उधर जाते रहते हैं फिर अपने घरों में अलग अलग चीजें टांगते रहते हैं जैसे कि वो चीजें हमारे घरों को बचा देंगे लगाते रहते हैं ना इधर ये टांग उधर वो टांग उधर वो टांग उधर वो टांग प्लीज रिमेंबर वो एक वाइब्रेशन है एक फिजिकल चीज एक वाइब्रेशन को नहीं रोक सकती आपकी वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन को रोक सकती है